नमस्कार दोस्तों, आपके घर के यूज़ के हिसाब से कौन सा गीज़र आपके लिए अच्छा रहेगा, ये वीडियो में आपके जितने भी डाउट है गीज़र के बारे में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं और जो गैस गीज़र होते हैं, दोनों में से आपको कोई गीज़र परचेस करना होगा तो कौन सा गीज़र आपके लिए अच्छा रहेगा, ये वीडियो में आपके जितने भी डाउट हो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे जो मैंने पैरामीटर रखे हैं, पहले हम प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो सेफ्टी जो मेन चीज़ होती है गीज़र के बारे में, उसके बाद और जो थोड़ा मैं आपको इलेक्ट्रिक गीज़र और जो हमारे गैस गीज़र रहते हैं उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दूंगा, उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस होगा किसमें ज़्यादा मेंटेनेंस आता है किसमें कम मेंटेनेंस आता है उस वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसकी लाइफ और वारंटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको मेरा जो ओपिनियन है वो बताऊंगा कौन सा गीज़र आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, जिससे कि आपको जितना भी डाउट है गीज़र के बारे में वो क्लियर हो चुके। तो दोस्तों, पहले हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं वो 2,500 से लेकर 30,000 से 40,000 के आते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम प्राइस मैंने आपको बता दी। और जो हमारे गैस गीज़र होते हैं वो भी 2,500 या 3,000 से लेकर 20,000 या 25,000 के भी आते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिक गीज़र और जो हमारे गैस, उसमें आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक गीज़र वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे काम करते हैं, यानी जो हमारे घर में एसी 230 वोल्टेज है उस पर वो वर्क करता है। आपको अगर आप इलेक्ट्रिकल गीज़र घर में इंस्टॉल करते हैं उसके लिए अलग से प्लग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिक गीज़र हमारे होते हैं वो 500 वोल्ट से लेकर 5,000 वोल्ट की रेटिंग के आते हैं, यानी उसकी जो रेटिंग होती है 500 से 5,000 वोल्ट की। तो इस पर डिपेंड करता है आपका बिजली का बिल भी उसी तरह से आएगा जितने रेटिंग के आप वाट का इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ करते हो। और उसके अंदर 3 लीटर 6 लीटर से लेकर 25 लीटर की कैपेसिटी होती है, यानी एक मिनट में आप अगर 6 लीटर का इलेक्ट्रिक गीज़र लेते हो तो एक मिनट में आपको 6 लीटर गर्म पानी वो देता है, ठीक है। उसी तरह जो हमारा गैस गीज़र होता है वो भी 3 लीटर 6 लीटर या 20 या 25 लीटर की कैपेसिटी के आते हैं। और जो गैस गीज़र होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो जो हमारे गैस है उसके अंदर एक सर्किट लगी रहती है और उसके वाल्व्स रहते हैं, सेंसर लगे रहते हैं, और जो मेन चीज़ होती है हीट एक्सचेंजर। तो अगर आप गैस गीज़र लेने की सोच रहे हो तो अगर आप जब परचेस करने जाओगे तो हीट एक्सचेंजर जो होता है उसका आप केजी देख लीजिए, अंदर जो कॉपर की कॉइल लगी रहती है, तो अगर 1.1 1.2 1.4 अलग अलग केजी, जितने केजी उसके ज़्यादा होंगे, मान लीजिए कि मैंने परचेस किया 1.4 केजी का गैस गीज़र, तो 1.4 केजी के अंदर जो हीट एक्सचेंजर होगा तो उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1.1 केजी से अगर परचेस कर तो उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी 1.4 केजी से कम रहेगी, यानी अगर जब भी आप गैस गीज़र परचेस करने जाते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हीट एक्सचेंजर है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है, और जो अंदर कॉपर का जो कॉइल यूज़ किया उसके कितने एमएम की थिकनेस वो भी उसमें डिपेंड करना है, यानी कि आपका पानी का फ्लो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो एक चीज़ आपको ये गैस गीज़र में ध्यान में रखनी है। अगर मेन चीज़ है सेफ्टी, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिक गीज़र में आपको कम सेफ्टी मिलेगी और जो आपका गैस है उसमें आपको सेफ्टी मिल जाएगी। तो कैसे, तो अगर आप इलेक्ट्रिक गीज़र घर में इंस्टॉल करो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बाथरूम में इंस्टॉल किया है तो वहाँ पे आपको प्लग भी लगाना पड़ेगा। तो क्या कई बार क्या, अगर प्लग नीचे की साइड थोड़ा लगा होगा बाथरूम में तो पानी ज़्यादा चला जाता है, अगर आप छोटे बच्चे उसे गलती से हाथ उसमें लगा देंगे लाइन चालू होगी तो शॉक लग सकता है। और जो इलेक्ट्रिक गीज़र हो रहते हैं तो उसमें थोड़े टाइम के बाद उसमें जो लीकेज करंट आना चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि 1-2 साल बाद गलती से कुछ लीकेज हुआ, कुछ डैमेज हुआ, तो आप उसको टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है और शॉक की वजह से आपकी जान भी सक सकती है। तो ये इसमें बड़ा रिस्क रहता है इलेक्ट्रिक गीज़र में, ठीक है। मगर अब के जो नई इलेक्ट्रिक गीज़र उसमें थोड़ी सेफ्टी भी मिल जाती है आप, तो फिर भी मेरे ओपिनियन से थोड़ा उसमें आपको रिस्क तो रहता है। और जो गैस गीज़र की बात करूँ तो गैस गीज़र में गैस का यूज़ किया जाता है, वहाँ आप उसमें सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी पाइपलाइन रहती है उस वो भी आप उसको यूज़ कर सकते लगा सकते हो, ठीक है। तो जो गैस गीज़र रहता है तो उसमें सेफ्टी में उसमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया जाता है, उसमें सेंसर भी लगे रहते हैं, यानी जो ज़्यादा आग लग पकड़ जाए तो वो कट ऑफ कर देता है, ठीक है। तो उसमें ये आपको सेफ्टी भी अंदर मिल जाएंगी गैस गीज़र के अंदर। और जो इंस्टॉलेशन की बात करूँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक गीज़र सिंपल आपको इंस्टॉल कर देना, सप्लाई उसमें लगा देना, वो ईजी, बहुत ही ईजी है। और गैस गीज़र में अंदर गैस का एक पाइप आएगा, एक पानी का इनलेट आएगा और पानी का आउटलेट, यानी उसमें भी इंस्टॉलेशन इतना हार्ड नहीं है, इजीली आप अपने आप ही खुद ही उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब मेंटेनेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक गीज़र में आपको 1-2 साल होने के बाद थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आता रहता है, और उसमें जो अगर मेंटेनेंस आएगा तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। ये जो आपका गैस गीज़र होगा तो जैसे मैंने उसके पार्ट्स के बारे में बताया, उसके अंदर सोलेनोइड वाल्व रहते हैं, उसकी सर्किट रहती है और सेंसर लगे, उसमें से अगर आपका जो सोलेनोइड वाल्व होगा तो 250 रुपये का ख़राब हो जाता है, वो ईजिली आप चेंज कर सकते हैं। और सर्किट लगी तो सर्किट भी 500-600 रुपये की आ जाती है, ठीक है, यानी वो भी आप चेंज करवा सकते हैं, टेक्नीशियन को बुलाते हैं, यानी ईजिली आप उसका मेंटेनेंस करवा सकते हैं। और जो
इलेक्ट्रिक गीज़र और गैस गीज़र की बात कर, अगर आप अच्छी ब्रांड का लेते हो तो इलेक्ट्रिक गीज़र आपको 2 साल की वारंटी मिल जाए, उसी तरह आप गैस गीज़र में भी आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, और जो हीट एक्सचेंजर होता है उसकी 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। अच्छी ब्रांड का जैसे लेते हो, जैसे कि हेवल्स है, बेंचमार्क है, कई सारे ब्रांड, उसकी ब्रांड के आप लेते हो तो उसमें आपको वारंटी मिल जाती है, यानी आपको 2 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद भी हम बात करें लाइफ की, तो इलेक्ट्रिक गीज़र की लाइफ थोड़ी कम रहती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर आपको निकाल ही देना पड़ेगा, उसको नया लगाना पड़ेगा, अगर क्योंकि उसका रिपेयरिंग भी महंगा रहता है। और गैस गीज़र में जैसे मैंने आपको बताया, आपको 500, 600 या 1000 के अंदर आपका मेंटेनेंस भी हो जाएगा 2-3 साल में, अगर कुछ फॉल्ट आता है तो, यानी आपका गैस गीज़र काफ़ी लंबा टाइम चलेगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक गीज़र, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसमें काफ़ी कम फॉल्ट आते रहते हैं और उसमें आपका उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। अगर मेरी माने मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप इलेक्ट्रिक गीज़र और गैस गीज़र दोनों में से जो परचेस करने की सोच रहे हैं, तो मेरा ओपिनियन है कि आप गैस गीज़र ही परचेस करिए, क्योंकि आपको वो लॉन्ग टाइम चलेगा, और आपका जितने भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे गीज़र के अंदर, तो वो आपको उसको रिटर्न भी देगा, यानी 5 या 6 साल भी आप इसको यूज़ कर तो आ रहा, तो आराम से वो चल जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और छोटी बहुत दिक्कत आती रहती है, तो जैसे मैंने बताया आपका अगर सर्किट ख़राब हो तो 500 रुपये में रिपेयर हो जाएगी, या 600-700 रुपये के राम जो उसका वाल है, उसके सेंसर है, ठीक है, और जो हीट एक्सचेंजर है, तो वो आपका इजीली रिपेयर हो जाता है 1-2 दिन में। तो यही सारी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अभी आपका जितने भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा गीज़र परचेस करना चाहिए, इलेक्ट्रिक गीज़र या गैस गीज़र, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन था, काफ़ी सारे लोगों का अलग भी ओपिनियन हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गीज़र अच्छा रहता है, वो भी सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, पर जो मैंने पर्सनल यूज़ किया उसके हिसाब से गैस गीज़र अच्छा रहेगा। उसमें जैसे मैंने मेन सेफ्टी है, इलेक्ट्रिक गीज़र में अगर शॉक लगा तो मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि गैस गीज़र में बहुत सारे चांसेस, यानी चांसेस ज़्यादा है उसमें बचने के, अगर उसमें गैस लीकेज भी होता है तो भी इतने आग लगने की शक्यता बहुत ही कम रह जाती है, ठीक है। यानी सेफ्टी पर्पज़ से देखें तो मुझे लगता है गैस गीज़र सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। तो दोस्तों यही सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।